हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब SSC CGL 2022 के 12 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के GA के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020 वॉज अवार्डेड टू, तो ये किसे मिला था 2020 में? तो ये मिला था लिटरेचर में किसे मिला था? ये मिला था हमको लुइस ग्लूक को। अब फ्रेंड्स यहाँ पे और क्या क्या क्वेश्चन अराइज होता है। पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिजिक्स में किनको मिला था 2020 में। फिजिक्स में मिला था PHY, फिजिक्स में किनको मिला था? पहला मिला था रोजर पेनरोज। इनको फिजिक्स में मिला था। सेकंड था एंड्रिया घेज। इनको भी फिजिक्स में मिला था एंड्रिया घेज। तो इनको फिजिक्स में मिला था। उसके बाद केमिस्ट्री में किनको मिला था? केमिस्ट्री में मिला था इमैनुएले चारपेंटर को, उसके बाद जेनिफर ए डोडोना को। तो केमिस्ट्री में किनको मिला था? CHE केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में किनको मिला था? इमैनुएले चारपेंटियर, CHAR चारपेंटियर को। ये पहला, उसके बाद सेकंड किसको मिला था केमिस्ट्री में? सेकंड मिला था जेनिफर ए डोडना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का हो गया। थर्ड है हमारा मेडिसिन में किसको मिला था, जिसको हम फिजियोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो वो हमको मिला था, मीन्स मेडिसिन में किसको मिला था? हार्वे को मिला था मेडिसिन में हार्वे जे एल्टर को। उसके बाद एक क्वेश्चन अराइज ये होता है, नोबेल पीस प्राइज 2020 जो है ये किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला था? तो ये मिला था हमको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली। जितना भी खाने से रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? इटली में है। नोबेल प्राइज फ्रेंड्स कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? नोबेल प्राइज जो है ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1901 में हुआ था। तो फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज, फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला है? फर्स्ट इंडियन है रविंद्रनाथ टैगोर। फर्स्ट किनको मिला है इंडियन में? फर्स्ट इंडियन ये कौन है? हम कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड, अब हम मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चंस की ओर। सेकंड क्वेश्चंस हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल इन जनवरी 2021 में एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो है प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुआ है? तो वो हुआ है जैसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जैसा हो जाएगा। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा जो है फ्लावर का पार्ट नहीं है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर? तो ये पेटियोल नहीं है फ्रेंड्स। इसका डायग्राम जो है सबसे लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, उसमें सेपल ये सारा कुछ दिखाया हुआ है। तो चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है,
एज अ पार्ट ऑफ मिशन सागर फोर इंडियन नेवल शिप जलाशवा अराइव्ड एट पोर्ट अंजाव कोमोरस ऑन 14 मार्च 2021 टू डिलीवर 1000 मैट्रिक टन्स ऑफ डैश। तो ये हुआ था किसके लिए, राइस के लिए हुआ था जो 14 मार्च 2021 को आया था। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, किसे हम वैक्सीनेशन से नहीं रोक सकते हैं। वो है फ्रेंड्स वो डिजीज बेरी बेरी फ्रेंड्स किसके किस चीज़ की कमी से होता है, ये विटामिन बी वन की कमी से होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं विटामिन बी वन को। ओके और रैबीज किससे होता है डिजीज़, ये एक वायरल डिजीज़ है, वायरस से होता है, ये वायरस से ये डिजीज़ होता है। टाइफाइड किस चीज़ से होता है डिजीज़, ये बैक्टीरिया से होता है। मीजल्स किस चीज़ से होता है, मीजल्स भी वायरस से डिजीज़ होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ न्यूटन प्रोवाइड्स ए क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, कौन सा लॉ जो है फोर्स को डिफाइन करता है। वो है फ्रेंड्स सेकेंड लॉ, जिसमें हमारा एक फॉर्मूला आता है एफ इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। फर्स्ट लॉ जानते हैं फ्रेंड्स, जो जिस स्टेट में है वो हमेशा उसी स्टेट में रहेगा, जो रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में रहेगा और जो मोशन में वो हमेशा मोशन में रहेगा, जबकि एक्सटर्नल कोई उस पर डिस्टर्बेंस ना हो। थर्ड लॉ क्या है, जितना एक्शन रहेगा उतना इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। ओके अब हम डिस्कस करेंगे सेवन्थ क्वेश्चन को। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, सेवन्थ क्वेश्चन हमारा है द फाउल स्मेल फ्रॉम अ बॉडी स्पेशली ड्यूरिंग सल्ट्री समर इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ डैश ऑन स्वेट। तो हमारा जो है गर्मी में हमारे शरीर से बदबू आती है वो किस कारण से आती है, वो क्या पसीना से आती है, नहीं वो स्वेट में मीन्स पसीना में क्या रहता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, बैक्टीरिया के कारण जो है हमारे जो स्वेट है पसीना से बदबू आती है गर्मी में। ओके फ्रेंड्स अब हम मूव करेंगे एट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एट में क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट आर्ग्यूड दैट इन द फेस ऑफ हाई डेफिसिट्स पीपुल हैव मोर पीपुल सेव मोर। डेफिसिट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, घाटा होता है, तो है ज़्यादा घाटा के रेस्पेक्ट में फ्रेंड्स क्या, किसने ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि हाई डेफिसिट जो होगा ज़्यादा जो घाटा होगा उसमें पीपुल सेव मोर करेंगे, सबसे ज़्यादा पीपुल जो है मतलब बचाएंगे, तो ये किसने आर्ग्यूमेंट दिया था, किसने ये कहा था, ये कहा था डेविड रिकार्डो ने कहा था। उसके बाद फ्रेंड्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को, ये क्या है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्वेश्चन को। हु अमंग द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स इज इन हरियाणा, इसमें से कौन सा साइट ऐसा है जो कि हरप्पा साइट है जो कहाँ है हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राखी गढ़ी। और फ्रेंड्स रेस्ट जो हमारा ऑप्शन है जैसा कि कालीबंगन है, ये कहाँ पे है, कालीबंगन हमारा है राजस्थान में, राजस्थान में। उसके बाद है फ्रेंड्स लोथल, लोथल कहाँ है, लोथल है हमारा गुजरात में। उसके बाद है धोलावीरा, ये कहाँ है, ये भी हमारा कहाँ है गुजरात में है। हम सॉल्व करेंगे टेंथ क्वेश्चन को। टेंथ क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय पीआईबी इन डैश। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जीडीपी के टर्म्स को समझते हैं, जीडीपी मतलब होता है क्या है,
फुल फॉर्म तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जैसे ये हमारा कंट्री जो है, ये हमारा कंट्री इंडिया हो गया, लेट हमने मान लिया। तो ग्रॉस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ग्रॉस मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक मतलब होता है विद इन द बाउंड्री। जैसे हमारा कंट्री है तो विद इन द बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री इंडिया, विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया। प्रोडक्ट तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं, प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट। तो जीडीपी का मतलब होता है ये जो हमारा कंट्री है, ये जो हमारा कंट्री है इसके बाउंड्री के अंदर एक साल में कितना प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्शन होता है, मीन्स कितना प्रोडक्ट बनाया जाता है हमारे कंट्री के भीतर एक साल में। तो टोटल, उस टोटल को ऐड करेंगे प्रोडक्ट को, तो उस टोटल को हम क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलेंगे। सेकंड टर्म आ रहा है फ्रेंड हमारा पीआईबी। पीआईबी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीआईबी का फुल फॉर्म होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। तो ये हम यहाँ पे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। तो ये पीआईबी जो है पब्लिश किया है, किस चीज में पब्लिश किया है? रुपी में पब्लिश किया है। उसके बाद फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर इंडियन रुपी हो जाएगा। येन फ्रेंड्स किसका करेंसी है? येन है हमारा जापान का। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे 11th क्वेश्चन में हमारा क्या है? अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज अकाउंटेड फॉर बाय द ओशियंस। तो हमारे अर्थ सरफेस पर कितना वाटर है जो कि मतलब किस में है? ओशियन में है। वो हमारा है जैसा कि 100% है, तो इसमें 97% कहाँ है? ओशियन में है, ओशियन में है। रेस्ट 3% बचा, 3% में 2% और इधर बचा 1%। ये 3% क्या है? फ्रेश वाटर है। ये क्या है? फ्रेश वाटर है। ये 97% जो ओशियन में, ये क्या है? साल्ट वाटर है हमारा, साल्ट वाटर है। तो ये 2% जो है फ्रेंड्स, ये किस में, किस स्टेट में है? ये या नहीं तो आइस है या नहीं तो ग्लेशियर के फॉर्म में है। तो हमारा अवेलेबल जो पीने योग्य है वो कितना है? less than 1% है। मीन्स ये हमारा अवेलेबल है, ये 1%, 1% से भी कम है, तो हम अप्रोक्सीमेटली इसको 1% मानते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, तो हमारा टोटल, अगर ये हमारा अर्थ है, अर्थ पे जो है अप्रोक्सीमेटली 71% जो है फ्रेंड्स, ये हमारा अर्थ है, ये 71% जो है हमारा कवर किससे है? वाटर कवर्ड। और हमारा बचे कितना? 29%। ये किससे कवर है? ये लैंड से कवर है, मीन्स लैंड जो है हमारा 29% ही है, लैंड कवर्ड। 71% जो है वाटर से कवर्ड किया हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे 12th क्वेश्चन को। 12th क्वेश्चन में हमारा क्या है? एज पर द यूनियन बजट ऑफ 2021 to 2022, हाउ मेनी टेक्सटाइल पार्क्स आर टू बी सेट अप इन 3 years। तो जो यूनियन बजट हुआ है अभी, तो 2021 और 2022 वाला, तो इसमें कितना जो है पार्क्स को, टेक्सटाइल पार्क्स को सेटअप किया गया 3 years में, मतलब सेटअप करने की बात की गई? ये है 7। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पहला ये आता है, जो हमारा ये बजट जो होता है यूनियन बजट, इसको पार्लियामेंट में कौन प्रेजेंट करता है, कौन पेश करता है? तो ये करता है कौन? फाइनेंस मिनिस्टर।
फाइनेंस मिनिस्टर, अभी हमारा कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। और सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है, निर्मला सीतारमण जो है अब तक कितनी बार जो है बजट को पेश कर चुकी है? वो है 3 times, अब तक 3 times निर्मला सीतारमण बजट को पेश कर चुकी है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से ये अराइज होता है, सबसे पहली बार जो है बजट, यूनियन बजट को किसने पेश किया था? वो किया था जेम्स विल्सन। ओके, उसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13th को। 13th में हमारा क्वेश्चन है, ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ, ओजोन का सबसे पहले फ्रेंड्स फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला हम लिखते हैं, वो क्या होता है? O3 होता है। क्या है इसमें, इसमें कौन सा मेटल एलिमेंट है? तो इसमें ऑक्सीजन है, तो ये किसका एलोट्रॉप है? ऑक्सीजन का। फ्रेंड्स कार्बन का एलोट्रॉप हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, कार्बन का कितना एलोट्रॉप होता है? तो जैसे कि हमें 2-3 एलोट्रॉप बताना है कार्बन का। तो पहला होता है, कार्बन फेमस है इसलिए इससे क्वेश्चन आ सकता है, पहला है कार्बन का एलोट्रॉप वो है डायमंड, हीरा होता है। सेकंड होता है ग्रेफाइट, जो हम लोग बैटरी में यूज करते हैं। थर्ड है हमारा फ्लोरेंस, FuRLERENE, फ्लोरेंस ये होता है। सेकंड क्वेश्चन ऐसा आ सकता है फ्रेंड्स एग्जाम में, और डायमंड जो है ये किसका इलेक्ट्रॉप है? तो हमें बता देना है डायरेक्ट कार्बन का इलेक्ट्रॉप है। और 14th में हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एथलीट्स वाज अपॉइंटेड एज द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बाय द असम गवर्नमेंट इन फरवरी 2021? तो किसे जो है DSP बनाया गया असम गवर्नमेंट द्वारा, किस एथलीट को? तो उनका नाम क्या है? हिमा दास। हिमा दास का निक नेम क्या है फ्रेंड्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, धिंग एक्सप्रेस भी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है, हिमा दास जो है किस स्टेट से है? ये असम से है, इसलिए इसको असम का DSP बनाया गया है असम गवर्नमेंट द्वारा। तो हम सॉल्व करेंगे 15th क्वेश्चन को। 15th क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉन द होस्टिंग राइट्स ऑफ द 2030 एशियन गेम्स इन दिसंबर 2020? कौन सा ऐसा सिटी है जो कि 2030 एशियन गेम को मीन्स होस्ट करेगा? वो है सिटी दोहा। किसका कैपिटल है? कतर का कैपिटल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, एशियन गेम जो है फर्स्ट टाइम कब हुआ था? एशियन गेम फर्स्ट टाइम हुआ था 1951 में। 16th क्वेश्चन हमारा ये है, द ड्योमाली इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ डैश। ड्योमाली जो है किसका हाईएस्ट माउंटेन पीक है, किस स्टेट का? ये है उड़ीसा। फ्रेंड्स ये याद ही रखना होगा, उड़ीसा का ये है ड्योमाली सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का कौन रूलर था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव। राष्ट्रकूटा किंगडम का फ्रेंड्स फाउंडर कौन था? फाउंडर था डंटी दुर्ग था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, कनिष्क कौन सा डायनेस्टी का रूलर था? वो कुषाण डायनेस्टी का था। किस डायनेस्टी का था? कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, कुषाण का फाउंडर कौन था? कुषाण डायनेस्टी का फाउंडर था कुजुल कटफिसेस।
कुजू ला कट फिशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, समुद्रगुप्त जो था ये किस डायनेस्टी का रूलर था? ये गुप्ता डायनेस्टी का था, तो गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्ता वन है। चंद्रगुप्ता फाउंडर कौन है? एफ फॉर फाउंडर, फाउंडर है चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोका जो है, अशोका किस डायनेस्टी के रूलर थे? वो मौर्यन डायनेस्टी के रूलर थे। मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके लास्ट रूलर कौन थे? बृहद्रथ थे। सम्राट अशोक ने क्या बनवाया है? सांचीन स्तूपा बनाया है, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड डांस फॉर्म? कौन सा जो है यूनेस्को का रिकॉग्नाइज्ड डांस फॉर्म है, वो क्या है फ्रेंड्स? कलबेलिया। कलबेलिया किस स्टेट का डांस है? ये राजस्थान का डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये राज होता है, भांगड़ा जो है ये किस स्टेट का डांस है? ये पंजाब का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि क्या है, दाल के चाई, दाल खाई जो है ये किस स्टेट का डांस है? ये जो है उड़ीसा का है। ये किसका है? वो उड़ीसा का है। गिद्धा जो है किस स्टेट का डांस है? ये अगेन पंजाब का डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंट इवेंट्स इज ऑब्जर्व्ड बाय स्विचिंग ऑफ ऑल लाइट्स एट होम्स, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स, लैंडमार्क्स एंड सो ऑन फॉर एन आवर? तो कौन सा जो है इवेंट में हम सारा लाइट को बंद करते हैं, तो उस इवेंट का क्या नाम है? उस इवेंट का नाम है अर्थ आवर। ओके, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट द पार्लियामेंट हैज द पावर टू एब्रीज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368 एंड सच एन एक्ट विल नॉट बी ए लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू ये हुआ है? ये 24th अमेंडमेंट के थ्रू ऐसा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये होता है, फंडामेंटल राइट्स जो है हम किस स्टेट से लिए हैं, बोरो किए हैं? ये किए हैं यूएसए से। यूएसए से एक और चीज़ हमने बोरो किया है, वो क्या है? हमारा प्रीम्बल। उसके बाद हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से हमने बोरो किया? ये किया है हमने यूएसएसआर से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मे फी इज एन एंसेस्टर वर्शिप फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ, ये किस स्टेट का फेस्टिवल है? मे दम मे फी, ये है असम का, इसे हमें याद ही कर लेना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज डिस्क्राइब्ड एज इट इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फाउडर, इट इज अ खरीफ क्रॉप दैट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21°C टू 27°C एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एलोवियल सोयल। तो ये टेम्परेचर में होता है और ये सोयल में पाया जाता है। ये कौन सा क्रॉप है? तो ये मेज है, मक्का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd में हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया गैव असेंट टू 100 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किस प्रेसिडेंट ने सहमति दिया है जो हमारा 100 अमेंडमेंट था? तो वो थे प्रेसिडेंट हमारे पूर्व, वो प्रणब मुखर्जी थे, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी।
जिनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला है। उसके बाद फ्रेंड्स इनको मिला है, भूपेन हजारिका को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 अमेंडमेंट जो था इसमें किस चीज़ से रिलेटेड है, वो किस चीज़ के बारे में बात की गई है 100 अमेंडमेंट में। इसमें बात की गई है एक्वायरिंग टेरिटरीज जो है कुछ वो इंडिया में ऐड करना है, टेरिटरीज टू इंडिया, और कुछ टेरिटरीज जो है उसको क्या चीज़ में करना है, बांग्लादेश में मिला देना है। एंड ट्रांसफरिंग टेरिटरीज टू बांग्लादेश, कुछ टेरिटरीज को इंडिया में मिलाना है और कुछ टेरिटरीज को बांग्लादेश में ट्रांसफ़र कर देना है। ये आर्टिकल अमेंडमेंट 100 में बात की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड तैमूर और तैमरलन इन्वेड इंडिया इन 1398 में तैमूर जो है इंडिया पे अटैक किया था, उस टाइम में जो है कौन सा डायनेस्टी था इंडिया में, वो था हमारा इंडिया में उस टाइम में था तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, घियासुद्दीन तुगलक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है सिलेब डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, सिलेब डायनेस्टी का फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, ये है जलालुद्दीन खिलजी। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट क्वेश्चन को। हमारा लास्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 विच वाज पास्ड इन मार्च 2021 अमेंडेड द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट, ये किस एक्ट से हुआ था, ये 1991 के एक्ट से हुआ था। और हमारा हम डिस्कस करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के जो डायग्राम था उसके। जैसा कि ये फ्रेंड्स ये फ्लावर है, ये हमारा क्या है, फ्लावर जो है इसमें ये वाला पार्ट इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं पेटल बोलते हैं। और फ्रेंड्स ये वाला जो पार्ट है यहाँ से वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, सेपल बोलेंगे, ओके। और जैसा कि ये अड़हुल का फूल में आपने देखा होगा ये बीच वाला पोर्शन ऐसे ऊपर उठा रहता है, तो यहाँ पे जो रहता है इसको हम बोलते हैं एंथर बोलते हैं। और जो नीचे रहता है स्टिकी वाला उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। एंथर से पोलिनेशन जब होता है तो वो पोलन ग्रेन्स एंथर से कहाँ गिरता है, स्टिग्मा पे गिरता है और बाद में पोलिनेशन हो जाता है, ओके। ये वाला पार्ट स्टाइल है ये इसमें दिखाया गया है, ये स्टिग्मा जो है ये वाला पार्ट को हम स्टिग्मा बोलेंगे। तो ये सारा पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे। और ये दोनों पार्ट को कलेक्टिवली, एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली हम स्टेमेन बोलते हैं। और यहाँ ये हमारा हो गया ओवरी। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। बाय एंड टेक केयर। ये बच्चा